एक वित्त मंत्री, वो भी महिला वित्त मंत्री के द्वारा बजट दिया गया और महिलाओं को काफी सौगात दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभिनंदन करना चाहूँगी वित्त मंत्री महोदया का और हमारी राजस्थान की जनता का भी। राजस्थान की जनता से इस बार राजस्थान की सरकार ने हर एक वर्ग से, हर एक सेक्टर के लोगों से सुझाव मांगे और जिस तरह एक महिला पूरे घर के बजट को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए जैसे घर का बजट बनते हैं, आज उसी मातृशक्ति स्वरूपा वित्त मंत्री हमारी आदरणीय दिया जी ने इतना शानदार बजट दिया। ना केवल महिलाओं की सारी सुविधाओं का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे वो किस तरह से इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पे लाया जाए, तो कहाँ से हम रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को, सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ना केवल सड़क पानी बिजली से ऊपर उठ के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, औद्योगिकरण की, टूरिज़्म की, हर एक क्षेत्र की चिंता करके एक शानदार जानदार बजट दिया। और ये बिल्कुल से जिस तरह से शक्ति के बंधन का, जो पिछले 10 साल से मजबूती का, सशक्तिकरण का, नारी का जो काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में चल रहा है, तो एक सशक्त नारी ने एक मजबूत और सशक्त और एक ऐतिहासिक बजट दिया है। ये विकासोन्मुखी बजट है और दोनों जगह हमारी सरकार होने का लाभ अधिक मिल पाएगा। तो ये जो सामाजिक परिकल्पना है उसके प्रत्येक घटक को इसमें शामिल किया गया है, सबके लिए कुछ ना कुछ आया है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि हम वंचित रह गए। तो बहुत ही सोच समझकर, बारीकी से सब चीज़ों का विश्लेषण करके बनाया गया ये विकास पर आधारित बजट इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का काम करेगा। विपक्ष ने आज महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया, वो भूल गए हैं असल में कि 5 साल पहले लगातार महिलाओं पर जिस प्रकार के प्रहार हुए, जिस प्रकार उनका चीरहरण हुआ, वो बहुत जल्दी भूल गए, असल में 6 महीने में ही भूल गए हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है, इस बात के लिए कमिटमेंट हमने किया है कि जीरो टॉलरेंस, महिलाओं के ऊपर जुल्म होने नहीं देंगे, सहेंगे नहीं, इसी तर्ज पे हम काम कर रहे हैं। उनको तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना वहाँ बैठकर।